14 फरवरी को भारतीय जनता पार्टी की राज्यसभा की सांसद और भाजपा की महिला मोर्चा की उत्तर प्रदेश की अध्यक्ष आदरणीय बहन गीता साकिया जी के ऊपर जो हमला हुआ है वो अपने आप में दिखाता है कि महिलाओं को दबाने का धमकाने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार में भी होता रहा और चुनाव की बेला पर भी ये लोग महिलाओं के खिलाफ हिंसा भी कर रहे हैं, डराने धमकाने का काम भी कर रहे हैं। और अगले दिन ही ये भी मैनपुरी की घटना है और मैनपुरी के कोतवाली क्षेत्र में नगलाभंत गांव में गीता साकिया जी के ऊपर हमला किया गया। और 15 फरवरी को करहल से भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय उम्मीदवार, गरीब परिवार से आने वाले, पिछड़ा वर्ग से संबंध रखने वाले एसपी सिंह बघेल जी, जो केंद्रीय मंत्री भी हैं, उनके ऊपर सपा के गुंडों ने हमला किया है। और ये पहली बार नहीं हुआ, पिछले जितने भी चुनावों का उदाहरण देखेंगे हर चुनाव में मैनपुरी का नाम आता है। तो मैनपुरी में इस तरह की घटनाओं को अंजाम समाजवादी पार्टी के गुंडे देते हैं, उनके कार्यकर्ता देते हैं।